लगता है तुम नहीं मानोगे। गुड बाय टॉमी जॉन, गुड बाय। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। कोशिश बेकार है, नहीं मार सकते तुम मुझे, तो बताओ क्या करना है अब। क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मारो, यहां हूं। बराबर वाले अपार्टमेंट में हूँ। हाँ आ रही हूँ बस। अरे बाबा, दो मिनट में आ रही हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ हाँ, बस दरवाजे से निकल गई, इतनी जल्दी में क्यों हो तू? योक, योक! क्या हुआ? पुलिस को फोन करो, मेरा मतलब है सिक्योरिटी को। बराबर वाले घर का किसी ने ताला तोड़ दिया। तुम वहाँ क्यों गई थी? तुम पहले कम मुसीबत में हो जो दूसरों की मदद करने चली थी? कहाँ गया होगा? बराबर वाले अपार्टमेंट में। हाँ आ रही हूँ बस, बस दो मिनट में आ रही हूँ, परेशान मत हो। अब क्या सोच रही हो? कौन था उसके घर में, तुमने देखा किसी को? कुछ बताओगी भी या ऐसे ही चुप बैठी रहोगी? तुम सिक्योरिटी को फोन करो, कहो कि फौरन ऊपर आए। ओके, उसने तुम्हें नहीं देखा, तुम कैसे बच गई वहां से? मैं इसलिए बच गई कि मुझे एक्टिंग आती थी, प्रिटेंड किया कि फोन पे बात कर रही थी तुमसे। एक बात तो कंफर्म हो गई कि आज भी सुपरस्टार हूं। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? सिक्योरिटी में कौन की थी? इंजेक्शन दे रहा हूं आपको। योक, क्या हुआ? दरवाजा मत खोलना। कौन है? अपना नाम बताइए मुझे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉल की थी, सिक्योरिटी से आपने किसको भेजा? अभी हमने किसी को नहीं भेजा, लेकिन जल्दी आपके पास कोई आदमी पहुंच जाएगा। उनका आदमी नहीं था, कोई और है। ये हमारे दरवाजे पे क्यों आया है? टॉमी जॉन कहाँ है? लगता है वो यहाँ पर भी आ गया है। कौन है?
बताइए आप कौन हैं? मैं हूं टॉमी जॉन। इतनी जल्दी आ गए? अभी तो हमारी फोन पे बात हो रही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ। आराम से लिटाना। यहाँ क्यों लाई हो इसे? क्या मतलब है तुम्हारा? बुखार तो नहीं लग रहा, जिस्म तो इसका ठंडा हो रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। इसे बुखार है या जो भी है, तुम इसे अपने घर क्यों लाई हो? मैं भी इसके घर पे रही हूँ। क्या, क्यों रही हो तुम इसके घर? क्या है, चुप नहीं रह सकते हो? अगर इसे ले ही आई हो तो अपने बेड पे क्यों लिटा दिया इसे? अगर मैंने इसे अपने बेड पे लिटा दिया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जा थर्मामीटर लेके आओ। कह रहा था डॉक्टर से ज्यादा पता है मुझे, अब देखो क्या हालत बनाई हुई है। अपनी केयर ही नहीं करता, हर दूसरे दिन बीमार, आज तो बेहोशी हो गया। इसकी पलकें कैसी लग रही हैं? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब तुम डॉक्टर कब से बन गई? तुम इलाज करोगी इसका? पागल हो क्या? तुम पसंद तो नहीं करती इसे? ओह माय गॉड, तुम्हें क्या लग रहा है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस ऐसे लड़की को पसंद करेगी? इसकी केयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने भी मेरा ख्याल रखा है। बड़ी खिदमत खल्क हो रही है। ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूँ। हाँ, 28 डिग्री, बात सुनो, क्या किसी का बॉडी टेम्परेचर 28 सेल्सियस हो सकता है? पता नहीं। हाँ, कहीं ये थर्मामीटर खराब तो नहीं हो गया? ये तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है, मुझे लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मॉम, डैड को टिकट मिल गया है, परेशान ना हो, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। क्या हुआ मॉम, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा भाई को। जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये किया है, एक बार मिल जाए नहीं छोड़ूंगी उसे। सर। हाँ। मालूम हो गया है, वो पेन जो आपको मिला था वो आम पेन नहीं, बहुत ही खास है। क्या? आर्टिसन नामी शख्स ने उस पेन को बनाया था। 3 पेन बनाए गए थे और बहुत ही एक्सपेंसिव हैं ये, हाथ से बनाए गए थे ये। आज के दौर में इनका मिलना बहुत मुश्किल है। ये हमारे लिए काफी नहीं होगा, इस पर तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है, तो कैसे मालूम होगा कि ये पेन किसका है? हाँ ये तो है। कब तक छुपोगे मुझसे? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। उपा आ जाएगा, आप खाना तो शुरू करें। ठीक है। लोशी भाभी कहाँ है, कहाँ रह रही है वो इस वक्त, क्या आपको कुछ पता है? तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? वो डाइवोर्स लेने के बाद इंग्लैंड चली गई थी, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मैं यूके में था तो मैंने उन्हें बहुत ईमेल्स की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। क्या फर्क पड़ता है, अब वो हमारी फैमिली की मेंबर नहीं है। उपा, ये तुम्हारे चेहरे पे चोट कैसी? कुछ नहीं, बस गिर गया था। आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? किसी के बारे में नहीं। सुनो, उपा के लिए नाश्ता लेकर आओ जल्दी। क्या आप भाभी से बात नहीं करते? आप? मैं उसे छोड़ चुका हूं, इसलिए अब मैं उससे बात नहीं करता। आप जाएं प्लीज। उन्हें एक बार तो कॉल कर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? उस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कितनी बार समझाऊं तुम्हें?
क्या कर रही हो? हाँ, उठ गए तुम? ये देखो, मैंने नाश्ते के लिए ऑमलेट बनाया है। ये कैसा ऑमलेट है? हाँ, तुम इसे खा के देखना, मजा आएगा। हाँ, 10 घंटे से सो रहा है, जाके उठाती हूँ उसे। टॉमी जॉन, टॉमी जॉन, उठ जाओ। हेलो। बहुत बीमार है ये, इसके होठों का रंग नीला पड़ता जा रहा है, जिस्म भी कांप रहा है इसका, लगता है जहर पूरे जिस्म में भर गया है। जरा इसकी नफ्स चेक करो जी। शायद इससे अंदाजा हो कि ये बच पाएगा या नहीं। अगर खून की रवानगी सही है तो हो सकता है कि ये बच जाए। जनाब, इसकी नफ्स का कुछ मालूम नहीं हो रहा, माफ कीजिएगा, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। 3 उंगलियां लगाओ कलाई पर। जी, सही कह रहे थे आप, लेकिन इसकी नब्ज तो बहुत तेज चल रही है। नामुमकिन, आज से पहले ऐसी नब्ज मैंने कभी महसूस नहीं की। इस आदमी ने तो मुझे हैरान कर दिया है, आप भी देखिए एक नजर। तुम इतना क्यों डर रहे हो इससे? ज्यादा सोचो मत, ये भी हमारी तरह ही एक इंसान है और इसे बचाना हमारा फर्ज। दिल की धड़कन को भी सुनना होगा, इसकी धड़कन कभी तेज हो रही है, कभी कम। ऐसी धड़कन मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। अब समझ आ गया, यह सब कुछ जहर की वजह से हो रहा है। देखो, इसकी नसें नजर आ रही हैं। जी जनाब, इसकी नसें तो वाजे है और इसकी जिल्द भी बहुत मुलायम है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे पूरे जिस्म में जहर भर गया था और तपिश से पूरा जिस्म तुम्हारा कांप रहा था। शुक्र है कि तुम ठीक हो गए। वैसे तुम्हारी नफ्स बहुत अजीब है, कभी तेज हो जाती है तो कभी रुक जाती है। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कहां से हो तुम? सही समझे हैं आप, वो देखें, उस सैयारे से हूं मैं। क्या? मैं इस दुनिया में वहीं से आया हूं। वो सैयारा तो दूसरा है, मगर वहां भी सब कुछ ऐसा ही है जैसा आपकी दुनिया में है। तुम्हारी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे डर है कि कहीं तुम अपना जहनी तवाजन खो ना दो मेरे बच्चे। आपको झूठ लग रहा है ये सब, मगर यही सच है। डोमी जॉन, आंखें खोलो अपनी, तुम ठीक हो ना? कहाँ हूं मैं? तुम मेरे घर पे हो, मेरा कमरा ही है। अच्छा ये बताओ, कल क्या हुआ था? कल रात से इंतजार कर रही हूं कि तुम उठोगे तो बताओगे। तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हुई? कहीं नहीं। वैसे तुम अभी मुझे बीमार तो नहीं लग रहे हो? कल रात क्या हुआ था? वैसे मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी, लिखा था मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। इस बात का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। चलो आओ नाश्ता करते हैं, तुम्हें ऑमलेट बहुत पसंद है ना? क्या हो गया, अभी भी नींद में हो? नाश्ते की टेबल वो रही, कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने घर जाना है। बात तो सुनो, तुमने मेरी हमेशा ही इतनी मदद की है तो क्या मैं नहीं कर सकती? मुझे मदद की जरूरत नहीं। अगर वहां अभी भी कोई हुआ तो? तुम अपना ख्याल रखो, मेरी फिक्र मत करो। सही कह रहा था वो बिल्कुल। एक लगाऊंगी मैं तुम्हें। सॉरी, पागल हो गई है।
यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर टॉमी चौन से मिलने आई हूँ। क्यों, क्या काम है तुम्हें? मुझे ज़रूरी बात करनी है, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? ज़रूरी बात? कौन सी ज़रूरी बात? कोई प्रॉब्लम हुई है? अंदर चल के बात करते हैं। थैंक यू। सुनो, टॉमी जॉन की तबीयत ठीक नहीं है, तो जल्दी बात कर लेना। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्या कर रही हो ये? चैंग क्या कर रही हो? जब भी मैं गाना गाती हूँ तो मेरी आवाज उसको पहुंच जाती है, तो फिर उसकी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? क्या मसला है? उसको आवाज कैसे चली जाती है? आई एम सॉरी, मैं आपको बगैर बताए यहाँ आ गई। मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि वो डिटेक्टिव तुम्हारा भाई है। अब तबीयत कैसी है उसकी? उनकी कंडीशन सही नहीं है अब तक, कल रात ही सर्जरी हुई है, बेहोश हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, आज वो उनका MRI करेंगे। मुझे किसी ने बताया है कि भाई को मिलने के लिए आपने ही बुलाया था। आपने उन्हें क्यों बुलाया था? क्या काम था आपको उनसे? हाँ, मैंने ही उसे बुलाया था, एक जरूरी मीटिंग करनी थी। यही पूछ रही हूं मैं, आपने उनको क्यों बुलाया था? वो तो नहीं बता सकता, बस उसकी मदद करना चाहता था। आप उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या ये बात कोई और भी जानता था? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को मालूम था कि भाई उस जगह पर जरूर आएंगे, इसलिए वो वहां पहले से ही मौजूद था। क्यों मारा तुमने उसे? आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं कह चुका हूं पहले कि तुम और चैंग जिंदा हो तो मेरी वजह से। मैंने तुम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि शुक्रिया अदा करो। मुझे नहीं मालूम, अगर आपको लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। मेरा मतलब ये नहीं है, और ना ही मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ। मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो कौन है जिन्होंने उस पर हमला किया। आपने ऐसा कहा उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन उस जगह पर कोई भी कैमरा नहीं था, इसलिए वहां से कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। भाई पर किन लोगों ने हमला किया, इस बात को जानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसी भी क्या बात करनी थी उसे जो मेरे सामने नहीं की उसने? वैसे बात ही करनी थी तो कहीं बाहर जाके कर लेते, घर क्यों आई? सीमी को भी देखो, उसके घर चली गई, और इतनी लंबी बात। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। जा रही हो? बाय। डोमिचन, तुम कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी मार्केट जा रही थी। इन कपड़ों में बाहर जाओगी तुम? मैं भूल गई, बाहर सर्दी होगी ना, मैं चेंज करके आती हूँ अभी। तुम जाना नहीं? अरे क्या पहनूं, क्या पहनूं? हाँ यहाँ दिखती हूँ। ये तो चला गया। कैसे आती हो? मैंने कहा भी था कि मेरा इंतजार करना। हम ग्रोसरी शेयर कर सकते हैं, तुम अकेले रहते हो, मेरा एक भाई है तो मिल बांट के कर लेंगे सब। अरे ये देखो, ये ले लेते हैं, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, एक पैकेट तुम्हारा एक पैकेट मेरा। जो मेरी जरूरत है वही खरीदूंगा, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी यहाँ, इसका मतलब सब खरीद लिया जाए। तुम्हें टोफो
पसंद है? मुझे तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। सूप में खाया था इसे एक बार। आलू नहीं लेने क्या? मुझे आलू पसंद नहीं है। लो, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें आलू नहीं पसंद? आलू के चिप्स कितने मजेदार होते हैं ना। मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? चाट मसाला छिड़क के खाओ, कितना मजा आता है। केचप के साथ भी खा सकते हो। जब पसंद ही नहीं है तो मसाला और केचप से क्या होता है? अच्छा ठीक है, तुम्हें चिकन में क्या पसंद है? चेस्ट पीस के लेग पीस? लेग पीस पसंद है। मुझे भी लेग पीस बहुत पसंद है। यानी हमारी अरे भाग भाग के कहाँ जा रहे हो तुम? खाने में हमारी पसंद कुछ ना कुछ तो मिलती ही है। टेबल पर लड़ाई नहीं होगी हमारी इस बात पर। तुम्हें क्या लगता है मैं रोज खाना खाऊंगा तुम्हारे साथ? सड़िया, गाड़ी कहाँ पार्क की है? कैब से जाऊंगा मैं। तो मेरे साथ चलो ना, मेरी गाड़ी पे चलते हैं घर। आखिर इसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दी जाए। वो क्यों? शायद तबीयत ठीक नहीं उनकी। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, अक्सर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माजरत चाहता हूँ, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। तुम बताओ, क्या सच में उनकी तबीयत खराब हो गई है? आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको मालूम है? मैं जानता हूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर आपके बड़े भाई हैं। मगर आपको ये कब पता चला? उस दिन से जब आपने अपनी फैमिली पिक्चर डेस्कटॉप पे लगाई थी और उस पिक्चर में हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। अच्छा, तो इसीलिए आप मुझसे इतने अच्छे से पेश आते रहे। वैसे मैंने भी आपको काफी परेशान किया। थोड़ा सा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो जाता हूँ, मुझे माफ कर दें सर। दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा मत कीजिए, माफी मत मांगिए, बल्कि मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अभी अभी बाहर गए हैं। मैं यहीं उनका इंतजार कर लूंगा। ओके। मेरे ख्याल से उसे एक बार मुझे प्यार से बात करनी चाहिए। वैसे जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है वो मेरी हेल्प जरूर करता है। एक बार मुझे चोट लगी तो उसी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे लिए सारी रात जागा वो। एक दफा मैं रिपोर्टर्स के डर से कार में छुप गई थी। उसने मुझे हौसला दिया कि जब तुम्हारी गलती नहीं तो क्यों छुप रही हो। उस दिन के बाद से उस लड़के पर मैं बहुत भरोसा करने लगी हूँ। या शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। लेकिन मैं उसे पसंद भी क्यों करूँगी? कंफ्यूज हो गई हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। अभी दो दिन पहले वो बीमार हो गया था, मैंने उसका इतना ख्याल रखा और उसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। मुझे तो वो कुछ समझता ही नहीं। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बटन दबा सकते हैं आप? उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। कोई फीलिंग्स नहीं है। तुमने बताया कि उसने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया और तुम्हारे लिए पूरी रात भी जागा। अगर ऐसा है तो उसने इनकार क्यों किया? सही कहा, तुम्हारे लिए फीलिंग्स होती तो वह इनकार क्यों करता? ऐसा क्यों? लड़कियों के लिए इजहार करना तो मुश्किल होता है, और अगर वो पहल कर दे तो लड़के उनकी उस तरह से कदर नहीं करते। हो सकता है कि उसने तुम्हें प्रेशराइज किया हो। किस चीज का प्रेशर? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो तुम्हें आजमा रहा हो। हाँ, ये कोई आम लड़की नहीं है, चैंग सोंग है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, वो हाँ बोलने में थोड़े नखरे दिखा रहा है मुझे। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, जब कोई लड़का किसी को पसंद करता है तो उसका दिल चाहता है कि वो उसके साथ रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लियो चाहता है। मुझे नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद भी तुम्हें उसके पीछे भागना चाहिए। और मैं देख रही हूँ तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम कोरिया की सबसे मशहूर मॉडल हो, चैंग सोंग हो तुम। हाँ, मैं चैंग सोंग हूँ।
अब क्या मसला है? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, फिशिंग करने। इतनी सर्दी में क्यों जा रहे हो? वो जगह तो बहुत दूर है, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। मुझे भी पसंद है फिशिंग करना, अपने डैड के साथ जाती थी मैं। अच्छी बात है। कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे दोबारा तुमसे बातें करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। कोरिया में एक ही लड़की है जिससे हर कोई शादी करना चाहता है, वो हूँ मैं। हाँ जानती हूँ अब मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं नंबर वन थी और बहुत जल्द दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाऊंगी। सुन रहे हो ना? किसी की बात का जवाब ना देना बदतमीजी होती है। कैसे इंसान हो तुम? इतना खामोश रहकर सोचते क्या हो? तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे हो या बाकी सबके साथ भी? बस बहुत हो गया है अब यार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। इंसान हाँ हूँ ही कर देता है। तुम्हें यही उतरना है? अभी तो दूर है ना। हाँ तो चुप बैठो। ओके, हम बाद में बात करते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे और मेरे सिवा। तुम्हें जगह का कैसे पता? यहाँ आते रहते हो क्या? इतने दिनों बाद घर से निकली हो तो फ्रेश हो गई हूँ। अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। पता, जब मैं छोटी थी बहुत स्केटिंग करती थी, अपने भाई से हमेशा जीत जाती थी, वो हमेशा मुझसे पीछे रह जाता था। तुम कॉफी बना रहे हो? मेरे लिए भी बनाना प्लीज। मेरे साथ तुम यहां पर इसलिए आई हो ना कि तुम्हें जवाब चाहिए? नहीं, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना था, लेकिन तुम्हारे जवाब का भी इंतजार है। जानता हूं कि तुम इंतजार कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा जवाब समझ लेना चाहिए था, लेकिन तुम में इतनी अकल नहीं कि मेरे रवैये से समझ जाओ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और जब तुम ऐसी हरकतें करती हो तो और बुरी लगती हो। अगर इतना ही नापसंद करते हो मुझे, तो हमेशा मेरी मदद को क्यों आते हो? बोलो। इंसानियत के नाते बस। मगर तुम मेरी इस मदद को कुछ और ही समझ बैठी हो। तुम एक सेलिब्रिटी हो ना, तो मुझ जैसे लड़के के पीछे भाग क्यों रही हो? अगर आज भी तुम उतना ही फेमस होती तो क्या मुझे इतना पसंद करती? देखती भी नहीं मेरी तरफ, ऐसा ही है ना? अच्छा, तुम चाहते क्या हो वो बताओ। मैं चाहता हूं बस तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। चली जाती हूं।
मगर मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ? चलो यहाँ से। कोई बात नहीं। रो रही हूँ इसके लिए सॉरी नहीं कर रही तुमसे। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा बस रोना तो बंद करो, ये कौन सी नई बात है? आज से 15 साल पहले तुमने पूरे स्कूल के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना, लेकिन तुमने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। मैं कब कह रहा हूँ मैंने अच्छा किया था? तुमसे बात करके मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ लियो। ये तो अच्छी बात है, मगर एक बात तो बताओ, ये रात में ही तुम्हारे सारे रोने धोने क्यों शुरू होते हैं? कल भी रो रही थी। वाकई? हाँ तो कल रात भी तुम बिल्कुल ऐसे ही रो रही थी। मुझे याद नहीं। अब घर जाकर उसे दोबारा कॉल मत करना। याद रखो वो तुमसे बहुत नफरत करता है और तुम्हें भी करनी चाहिए। नाम मत लो उसका, मुझे नफरत है उससे। क्या वाकई ऐसा है? सॉरी। अब घर जाके तुम दुखी गाने सुनना नहीं शुरू कर देना। ऐसे ऐसे गाने सुनती हो कि अच्छा भला इंसान उदास हो जाए। तुम्हें तो हर बात मालूम होती है, कुछ नहीं छुपा तुमसे। हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें उस वक्त मैं फौरन हाँ कह देती तो क्या होता? थोड़े अरसे बात ही तो मेरी फजूल बातों से उकता जाते हैं और फिर हम दोनों का ब्रेकअप हो जाता। मैं यहाँ पर हूँ ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुम्हें उसने कॉल करके बताया? हाँ। वो ये चाहता था कि मैं अकेली घर ना जाऊं। वाह क्या बात है, अभी तो तुम्हें उससे नफरत थी और अब उसकी तारीफें शुरू कर दी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आखिर तुम्हें उसमें ऐसा क्या अच्छा लगता है? बचपन से पसंद करता हूं तुम्हें, मेरे लिए तो कभी नहीं रोई। ऐसा लगता है तुम उसे सालों से जानती हो। अरे आप यहां इतनी रात को, खैरियत तो है ना? बस जी चाह रहा था। वैसे मैं तो यहां अकेले ही फिशिंग करने आ रहा था, मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम भी यहां होगे। वैसे तुम तो मुझे कॉल करके बुलाने वाले थे ना?
भूल गया, लेकिन आप इस वक्त क्यों आए? आज जब घर गया तो बीबी का मूड बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए यहाँ आ गया ताकि मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। पहले वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया, बात बात पर गुस्सा करने लगी है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ। कैसा लगता है जिससे आप प्यार करते हो उसका आप दिल तोड़ दें? मैं भी उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूं। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है बताओ डोमी जान। जी बस आज बहुत सर्दी लग रही है। ये अचानक तुम्हें इतनी ठंड क्यों लगने लग गई है? पहले तो कभी इतनी सर्दी नहीं लगी, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत पुरानी बात है, एक आदमी ने मेरी जान बचाई थी, समझे उस दिन मैं मर ही गया था। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन तुम अपनी जमीन यानी अपने घर वापस चले जाओगे। जी हाँ, वापस तो जाना ही है मुझे, लेकिन जिस मकसद से यहां आया हूं वो पूरा करने के लिए यहां रहना ही होगा। उससे पहले मैं वापस नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो। पिछले 3 महीनों से मैंने तुम्हारे अंदर बहुत अजीब सी चीजें महसूस की हैं, जो कि इंसानों से बहुत ज्यादा अलग हैं। यहां की दवा से भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद ही बेहतर हो जाते हो। एक बात और, तुम्हारी जिस्मानी हालत देखकर मुझे परेशानी होती है। कुछ कहना चाहता हूं मैं तुम्हारे बारे में। मेरे मुताबिक कोई भी मखलूक इस दुनिया के उसूलों के बगैर यहां जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस दुनिया की हकीकत को जानना और पहचानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जब तक इस दुनिया के साथ चलेंगे बेहतर रहेंगे, वरना यहां रहना मुश्किल है। जब तुम्हारा जिस्म यहां के लोगों के हिसाब से नहीं चलता तो अजीब लगता होगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए हो। एक दिन आएगा जब तुम्हारी सारी ताकत निकल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि वो वक्त आने से पहले तुम अपने घर जा चुके होगे और इस दुनिया में किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना हो सकता है तुम्हारा वापस जाना भी मुश्किल हो जाए। अब लगता है कि जो कुछ भी वो मुझसे कह रहे थे उसके सच होने का वक्त आ गया है, जाना होगा मुझे। इसका मतलब अगर तुम चाह भी रहे हो तो अपनी मर्जी से हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रुक सकते। अगर यहां जबरदस्ती रहने की कोशिश करूंगा तो कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। जाग रही हो? क्या हुआ, भूख लग रही है तुम्हें? मगर बहुत रात हो गई है, अभी खाओगे तो पेट में दर्द होगा। मैं बस पानी पीने आया था, लेकिन तुम बताओ अब तक जाग क्यों रही हो? नींद नहीं आ रही मुझे। Thank you.
स्कूल जा रहे हो? नहीं, फुटबॉल खेलने। तुम भी चलो साथ। तुमसे इसलिए नहीं पूछ रही कि तुम ऐसा जवाब दो। रात को जो तुमने किया वो देखकर मुझे यही ख्याल आया कि मेरा स्कूल जाना बेहतर है। तुम अच्छे से आराम करना। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो बोलो। जाहिल पागल, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करती, जंगली बंदर जैसी शक्ल है तुम्हारी। उस दिन तुम्हारी दो चीजें क्या तोड़ दी, तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? ना पसंद करते हो मुझे, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या समझते हो अपने आप को? क्या हुआ? ये जूते तुमने मुझे वापस कर दिए थे ना, चुराए थे ना मेरे जूते तुमने, इन्हें तुम वापस ले लो। मुझे देख कर तुम्हारी याद आती है। जूते वापस ले लो। मॉम, क्या भाई ऑफिस चले गए? हाँ, वो चला गया है। तुम क्यों नहीं गए अभी तक? आज तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए छुट्टी कर ली। ओहो, अच्छा। तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप भिजवा देती हूँ। ठीक है। थैंक यू तुम्हारे यहां आने का। और चैंग सॉन्ग अकेले घर जा रही है वो बताने का भी शुक्रिया। तुम हमेशा इस बात के इंतजार करोगे कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 12 साल पहले जो तुमने किया
उसके लिए भी शुक्रिया। मैंने कहा ना वो मैं नहीं हूं। चैंग ये बात नहीं जानती कि जिसने उसकी जान बचाई थी वो तुम ही हो, लेकिन वो तुम में इंटरेस्टेड है। तुम भी चैंग सॉन्ग को बहुत पसंद करते हो ना, वरना इतनी मदद नहीं करते तुम उसकी। बात करने से पहले सोच लिया करो, वो तो बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो ना, क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम उससे वाकई मोहब्बत करते हो तो उसे पाने की हर तरह से कोशिश करो, उसकी मदद करो बिना कहे। एक और बात, ऊपा तुम्हारा भाई है ना? तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? मेरे भाई ने भी कल रात तुम्हारे बारे में ही पूछा था। हाँ जानता हूं मैं उसे, चैंग सॉन्ग को पहले अपने भाई से बचाओ। क्या कहना चाह रहे हो तुम, साफ कहो। अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। चैंग के लिए एजेंसी खोलेंगे? ये लियो ने कहा होगा आपसे, वो पहले भी जिक्र कर रहा था इस बारे में। अच्छा है ये, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर, क्योंकि चैंग को इसकी जरूरत भी है। जी मैडम ओनी, चैंग सॉन्ग की मुझे फिक्र रहती है बहुत। चैंग इस कंपनी की पार्टनर होगी और इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। ओह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चैंग की अपनी एक एजेंसी होगी। अपनी खुशी मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। क्या आज रात आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ऑफ कोर्स। इस लिस्ट में से एक 80 साल का आदमी अपनी कंपनी का मालिक है जो इस वक्त थाईलैंड में है। दूसरा आदमी मीडिया से है, उस दिन वो किसी शो में गया हुआ था। और ये जो आखिर में है, इसकी 2 साल पहले एक हादसे में डेथ हो चुकी है। डेथ हो गई? उसका नाम सुयन था, उम्र उसकी 32 साल के करीब होगी। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन ली है, ये बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। हाँ? इसकी मदद से कैसे पता चलेगा मुजरिम का? देखो इस तरह की रिपोर्ट्स बनाकर तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। इतनी रात को कहाँ गया होगा? किसी लड़की के साथ तो नहीं घूमने गया? चैंग सॉन्ग, जाने का वक्त आ गया है। कट, वेरी गुड। शुक्रिया। थैंक यू। ये लीजिए। हाँ लाओ। लंच के लिए रेस्टोरेंट जाएंगी ना आप? नहीं, मुझे अभी कहीं और जाना है। मैं अपनी गाड़ी से चली जाऊंगी खुद ही, तुम लोग जा सकते हो। ओके। सीमी, कल जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसे भूल जाओ प्लीज। कहना क्या चाह रहे हो लियो? मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता। मैंने बाद में इस चीज को रियलाइज किया कि मैं बहुत ही खुदगर्ज बन रहा हूं, और ये मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। सिमी, मैं तुम्हें मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहता। जिससे मोहब्बत करते हैं उसका दोस्त बनना आसान नहीं। क्या कहना क्या चाह रहे हो लियो? मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मुझे ये करना होगा क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि तुम खुश रहो। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो।
सीमी, मेरे ख्याल से हमारी दोस्ती बस यहीं तक ही थी। ये इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? मेरी हालत तो देखो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हारा आना अजीब लग रहा है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे ताल्लुकात ऐसे हो जाएंगे। जब मैं तुम्हारे साथ होती थी तो मुझे भी अजीब ही लगता था। आज तुम्हें लग रहा है? अच्छा, तुम्हें जब मैंने दरवाजे के बाहर खड़ा देखा था तो ये सोच लिया था कि जो हुआ उसे भूल जाऊंगी। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की बिना किसी लालच के, क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी। अच्छा, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? तुमने जो कुछ मुझसे पहले कहा, क्या वो मेरे लिए कम है? मैं इस वक्त पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह तुम खुद हो। मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स की वजह तुम थी। मैं प्रॉब्लम थी? हाँ, तुम। अभी कुछ दिन पहले जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, ऐसे ही हादसा 12 साल पहले भी हुआ था ना? उस हादसे में जिसने तुम्हें बचाया था, तुम उससे मिलना चाहती हो ना? ये बात कहाँ से शुरू हो गई? हाँ, मिलना चाहती हूँ तो क्या, इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? कभी कभार तुम बहुत बेवकूफ लगती हो मुझे। फजूल बातें बंद करो, वो कहो जो कहना है। तुम तो यही कहती थी ना कि वो आदमी जब भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे पहचान लोगी, तो अब जब सामने है तो क्यों नहीं पहचान रही? सामने है? कितना बेसब्री से इंतजार था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा ये इंतजार खत्म हो चुका है चैंग। लियो तो तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है चैंग। असल इंतजार तो तुम्हें उस शख्स का था ना। पहचानो उसे चैंग। कौन है वो, क्या जानती हो उसके बारे में? वो तुम्हारे बहुत करीब है और मुझे हैरानी है कि तुम उसे पहचान क्यों नहीं रही हो। करीब है? कहाँ है? कौन है? तुम किसकी बात कर रही हो?
गया कहीं बेचारा। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी से यहाँ पर आ जाए, एक आदमी जख्मी पड़ा है। जल्दी। वहाँ पर जी जी आइए, ये देखें। कहाँ है? अभी तो यहीं पर था। यही था, मेरा यकीन कीजिए। वो देखे निशान, यहीं पर था वो। कौन है तुम? जानती हो उसे?널 향한 내 맘은 I love you.